खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई गई, यानी बढ़ी है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि। अब 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। कल से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और आज इसको लेकर बीएससी की बैठक हो रही है जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 22 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। विधानसभा में हुई बीएससी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि जो है वो बढ़ी है। 17 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है विधानसभा की, अब 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बीएससी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बीएससी की बैठक हुई और क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया है? बिल्कुल खाली, देखिए बीएससी की जो बैठक है वो आज हरियाणा का जो विधानसभा है उसमें जो हुई है और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक है। तमाम जो नेता हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुज्जर, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा समेत तमाम जो बीएससी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक में शामिल थे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज जो है वो सरकार का जो प्रस्तावित जो समय था शीतकालीन सत्र के लिए वो 3 दिन का था, यानी कि 21 दिसंबर तक जो है वो शीतकालीन सत्र चलना था। इसके बाद जो है बिजनेस को देखते हुए तमाम जो नेता थे, जो बीएससी कमेटी के मेंबर्स थे, उनकी तरफ से फैसला लिया गया बिजनेस को देखते हुए कि 1 दिन की अवधि और बढ़ाई जाए। तो अब जो है बीएससी की बैठक के बाद जो है 22 दिसंबर तक जो शीतकालीन जो सत्र है वो चलने वाला है। और इसके अलावा जो जानकारी मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से 6 बिल आए हैं और 33 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है जो किरण चौधरी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से दिया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एमएसपी को लेकर जो है लिखित तौर पर जो कानूनी जो है उसको लिखित तौर पर एमएसपी दी जाए किसानों को, जिस प्रकार से जो पिछला सेशन था उस सेशन में कहा गया था कि जो धन्यवाद प्रस्ताव किया गया था कि सरकार की तरफ से कि 3 कृषि कानूनों के चलते सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके यहां से भेजा था, तो उसी के चलते किरण चौधरी ने ये जो है एक वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं कि एमएसपी को लेकर भी इस सदन से लिखकर भेजा जाए, कानून बनाकर भेजा जाए कि एमएसपी जो है किसानों को मिलेगी। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, इससे इस बीएससी की मीटिंग से पहले एक कानूनी जो सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से तमाम जो अधिकारी थे उनको बुलाया गया था, चाहे पंजाब के अधिकारियों की बात करें, चंडीगढ़ के, हरियाणा के, तीनों प्रदेशों के अधिकारियों को यहां बुलाया गया था कि जिस प्रकार से पिछला जो सत्र था उस सत्र में मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता काफी जो चिंतित नजर आ रहे थे, तो उसको लेकर जो है वो क्लियर कर दिया गया किस प्रकार की सिक्योरिटी इस बार रहने वाली। इस बार की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं नोडल अधिकारी जो है पंजाब की तरफ से भी नियुक्त किया जाएगा, चंडीगढ़ की तरफ से भी नियुक्त किया जाएगा और हरियाणा की तरफ से भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो यहां नियुक्त किया जाएगा। जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तो उस पूरे सत्र के दौरान जो है तमाम जो अधिकारी हैं ये अपनी ड्यूटियां करते हुए यहां नजर आएंगे। इस बार का जो सिक्योरिटी लेवल है वो काफी टाइट इस बार करा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों की सुरक्षा का मामला है जिसको लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ किया है कि इस बार की जो सिक्योरिटी लेवल्स है वो काफी हाई रहने वाले हैं। इस बार एक और जो चीज है वो जिस प्रकार से ओमिक्रॉन आने के बाद से दोबारा से चिंतित जो पूरा देश नजर आ रहा है, इसी के चलते कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल्स इस बार जो है विधानसभा सत्र के दौरान देखे जाएंगे क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लगातार जो पिछले जो सेशंस थे उसमें भी सिक्योरिटी रीजंस जो थे कोविड प्रोटोकॉल्स थे वो कहीं ना कहीं जो है
देखने को मिले थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क इस बार विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नजर आए, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है अगर कोई विधायक या कोई विधानसभा का कर्मचारी एक भी इंजेक्शन एक भी टीका लेकर नहीं आता तो उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में उसको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास टीका नहीं है तो 72 घंटे से पहले RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, तब आपको कहीं ना कहीं विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें एंट्री मिल पाएगी। तो ये तमाम चीजें थे जिन पर आज चर्चा हुई, और आने वाला शीतकालीन सत्र कैसे होगा, शीतकालीन नाम जरूर है, इस बार का शीतकालीन सत्र काफी गर्मी वाला हो सकता है जी। हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि टाइमिंग क्या है। अक्सर हमने देखा है कि 2 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, उसके बाद 10 बजे से भी होती है, लेकिन इस बार क्या टाइमिंग फिक्स की गई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए खाली शुक्रवार को अमूमन, बिल्कुल देखिए अमूमन शुक्रवार को जो है सत्र शुरू होता है, सत्र का जो पहला दिन होता है उसकी टाइमिंग जो 2 बजे की आसपास रखी जाती है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले जो तमाम विधायक हैं तमाम जो नेता हैं वो ढंग से आराम से पहुंच पाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं 2 बजे का टाइम रखा गया है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रहने वाली है और सोमवार को फिर से 2 बजे का सत्र जो है टाइमिंग वो रखी जाएगी, और कहीं ना कहीं छुट्टी के अगले दिन जब भी जो सदन लगता है सत्र लगता है तो उसमें अमूमन जो देखने को मिलता है कि टाइमिंग 2 बजे की रहती है। अगर 22 तारीख की मैं बात करूं तो 22 तारीख का जो है डबल सीटिंग हो सकती है, 10 बजे से शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। सवाल यह है कि जिस तरह से हमेशा से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सत्र की अवधि कम होने की वजह से वो अपने मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, क्या इस बार विपक्ष संतुष्ट दिख रहा है, सरकार ने एक दिन एक्स्ट्रा समय दिया है? बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल खाली देखिए जिस बार की जो BSE की मीटिंग हुई थी वो एक दिन पहले हुई है। अमूमन देखने को मिलता था जब BSE की बैठक होती थी वो जिस दिन सत्र होता था उसी दिन होती थी, और उसमें टाइम बहुत कम होता था, फैसले लेने का डिसीजन जो मेकिंग का टाइम था वो 1 घंटे का होता था अमूमन। तो इस बार जो है BSE की बैठक एक दिन पहले ली गई है और उसमें तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है उनकी रजामंदी के साथ जो है जो बिजनेस को देखते हुए तमाम चीजों को देखते हुए एक दिन की अवधि और बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर विपक्ष के नेता ये नहीं कह सकते कि सत्र का जो समय है वो काफी कम रखा जाता है, उसमें तमाम जो मुद्दे हैं ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो तमाम विपक्ष के लोग हैं कम से कम ये सवाल नहीं उठा सकते कि सत्र की अवधि जो है वो काफी कम है। ठीक है रवि, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार सत्र की अवधि एक दिन और ज्यादा दी गई है, 21 दिसंबर तक।